तो हम एक बार ऐसे घाट के ऊपर खड़ा किए और बहुत कोशिश की अपना उस्ताद को उठाने का, तो उठा ही नहीं वो। ये मेरा लिट्टी आ गया दोस्तों, ये देखिए पूरा चोखा, चटनी, मिर्चा। दोस्तों अब तो अचानक से पूरा बारिश और भी तेज हो गया, बस हम लोग घर से मात्र 10 मिनट का दूरी पे है और ये देखिए पूरा बारिश हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपसे फिर स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 10 बज रहा है और पिछला ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि हम लोग किस तरह जाम में फंसे थे। अब फंसने के बाद क्या है कि हम लोग को टाटा पटना पार करने में कम से कम हमको 3 बज गया था, 3:30 बजे हम लोग फिर सोए थे एक जगह पे। वहाँ जो सुबह उठ के चले हम लोग तो फिर अपना झारखंड कर चुके हैं। तो दोस्तों अभी क्या है ना कि हम लोग टाटा का माल है जमशेदपुर का और भरे भी है हाजीपुर से, तो हमारा माल भी ऐसा जगह कि पूरा टाटा पार करके स्टेशन रोड पार करके उसको हाथा तरफ बोलते हैं, उधर को प्लास्टिक प्लांट है, वहाँ पे मतलब कि पानी टंकी वगैरह बनता है स्टेशन के आगे, तो वहीं का माल है मेरा। और वहाँ का माल में ऐसा कि दोपहर में हमारा नोटी नहीं छूटता है, ऐसे और जगह के लिए नोटी छूटता है टाटा में, लेकिन स्टेशन रोड के लिए क्या है कि दिन भर नोटी रहता है, एक ही बार रात में ही छोड़ता है। और जब खाली भी कर लेंगे तो हमको दिन भर वहाँ रुकना पड़ेगा, फिर रात में ही हमको आना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों निकलते हैं अभी घर, पहले तो अभी घर पड़ेगा रास्ता में, घर पर रुकते हैं फिर हमारा जैसा समय होगा उस हिसाब से निकलेंगे और फिर ऐसा चलेंगे कि मतलब हमको टाटा पार कर जाना है। दोस्तों झारखंड आने के बाद हम लोग को सबसे पहले मिलता है पहाड़ और घाटी और साथ ही साथ में पूरे जंगल, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये हरे भरे जंगल देख के, झारखंड आती है मन खुश हो जाता है पूरा। तो घर भी जल्दी रामगढ़ पहुंचने ही वाले, ये देखिए हमारा सफ़र तो अभी चल रहा है और पापा भी थोड़ा जल्दी जल्दी गाड़ी चला रहे हैं कि पहुँच जाए घर और उसके बाद फिर शाम में हम लोग घर से निकल भी जाएंगे। दोस्तों ये जो कोडरमा घाट अभी हम चढ़ रहे हैं ये झारखंड का घाटी है। और दूसरी बात की मेरा ड्राइवरी लाइन में जब हम ड्राइवरी सीखे थे नया नया, हम सेकेंडरी करते थे नागपुर लाइन में, तो संतरा लेके जाते थे हम लोग पटना, नागपुर से पटना इधर बिहार कहीं भी, तो ये घाटी के ऊपर में लाके हमको गाड़ी खड़ा करना पड़ता था। मेरा जो उस्ताद जो थे उनका मतलब ऑर्डर था कि हमको घाटी नहीं ढूंढना है, क्योंकि नया नया थे उस समय, तो वो बोले कि घाटी के ऊपर उधर से आते थे हम लोग रामगढ़ से और घाटी के ऊपर में होटल पर खड़ा करते थे, फिर उस्ताद लेकर के घाटी ढुला देते थे, फिर हम फिर से पकड़ते थे गाड़ी, वो रजौली होते नवादा होते हुए फिर हम पटना जाते थे। तो कई बार हम कोशिश किए कि भाई हम भी ड्राइवर हैं नया नया सीखे हैं, लेकिन हमको घाटी का ऑर्डर नहीं था। कोई भी ड्राइवर हो जब अलग विश्वास होता है किसी को तभी वो गाड़ी देता है। तो हम एक बार ऐसे घाट के ऊपर खड़ा किए और बहुत कोशिश की अपना उस्ताद को उठाने का, तो उठा ही नहीं, वो नहीं उठा तो हमको हिम्मत कर गया अंदर से कि चलो आज हम ही ढूलते हैं घाट गाड़ी लेकर के, तो हम गाड़ी लेकर के यहाँ चल दिए। अब क्या बताएं आपको, उस समय 6 चक्का गाड़ी और एक नंबर दो नंबर में कभी कभी स्पीड बढ़ जाए तो फिर गियर लगा दें, मतलब डर डर के हम घाट को गाड़ी उतार दिए। उसके बाद फिर रोके सरदार जी का ढाबा है, वहाँ चाय पिए, हमको अंदर से बहुत खुशी आने लगा कि आज हम घाट मतलब ढुला दिए, अब मेरा उस्ताद सोया हुआ है उसको पता भी नहीं। उसके बाद अब फिर वहाँ से गाड़ी लेके चल दिया पटना के लिए, तब से हम भी अपने आप में मतलब हमको लगने लगा कि हाँ अब ड्राइवर हम बन गए प्लेन रोड में, सीधा रोड में, उस समय तो फोर लेन था ही नहीं, तो इस सब रोड में हम बहुत चला लिए गाड़ी, लेकिन घाट में नहीं चलाए थे। जो घाट में चलाए ना तो हमको धीरे धीरे हिम्मत बढ़ते गया, अब उस्ताद भी हम निश्चित हो गए कि चलो भाई अब कहीं भी इसको दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों घाट तो चढ़ गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा नामी थोड़ा लिट्टी वगैरह बिकता है, देख सकते हैं पूरा बेचारा सब लिट्टी की दुकान लगाता है यहाँ पर, तो सब ड्राइवर लोग यहाँ नाश्ता वगैरह करता है लिट्टी वगैरह, तो हम लोग भी बहुत शौक से खाते हैं। देखिए यहाँ भी दुकान है लिट्टी का, आगे भी है, सब लोग लगा कर रखता है, तो हम भी अभी रोकते हैं कहीं थोड़ा लिट्टी खाते हैं, मतलब बिना तेल उल का चीज़ जो लिट्टी होता है, लिट्टी चोखा, चलते देखते इधर देखते कौन सा अच्छा दुकान है वहीं लगाएंगे अभी। दोस्तों आ गए दुकान में, ये लिट्टी देखे चोखाओ का है ना जी, हाँ चोखाओ का देखे बनाइए एकदम लिट्टी बढ़िया से। ये मेरा लिट्टी आ गया दोस्तों, ये देखिए पूरा चोखा, चटनी, मिर्चा, सारा चीज दे करके एकदम सत्तू दे के बना हुआ है, खाया जाए बढ़िया है। टेस्ट जो है सत्तू का ही चेंज होता है, चना का सत्तू है ओरिजिनल, बढ़िया लग रहा है और कोई तेल का कोई ये नहीं है, साथ में मिर्चा प्याज नहीं है, प्याज दीजिए, ये देखो साथ में प्याज भी है।
दोस्तों अभी नाश्ता हमारा हो गया है, अब हम लोग निकल चुके हैं, अब अपना आगे का सफर चालू करते हैं। अभी भी टाटा यहाँ से करीब 250 किलोमीटर के आसपास होगा। दोस्तों अभी करीब दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम लोग बस घर पहुंचने ही वाले हैं, ज्यादा नहीं हो रहा, आधा घंटा 20 मिनट का सफर हमारा बचा हुआ है। तो अभी क्या है कि थोड़ा मौसम बिगड़ गया, ये देखिए पूरा थोड़ा एकदम काला काला कर दिया है मौसम, बादल और बारिश भी थोड़ा बहुत हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। अभी तो घर से फोन आया था, मम्मी बता रही थी कि उधर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। अभी झारखंड में 4-5 दिन से बहुत लगातार बारिश हो रहा है। कल तो दोस्तों थोड़ा बर्फ भी गिरा है उधर रामगढ़ साइड में, पत्थर जो बोलते हैं वही गिरा है। और अभी मौसम इधर थोड़ा ठंडा वाला कर दिया है, देखिए पूरा एकदम मौसम बिगड़ा हुआ है। तो ज्यादा नहीं, अभी हम लोग पहुंचते हैं पहले रामगढ़, रुकेंगे थोड़ा देर फिर निकलेंगे। दोस्तों अब तो अचानक से पूरा बारिश और भी तेज हो गया, बस हम लोग घर से मात्र 10 मिनट का दूरी पे है और ये देखिए पूरा बारिश हो गया। हम लोग इधर से शीशा लगा लिए हैं और बस देखिए अब गाड़ी थोड़ा रुकना ही पड़ेगा, अभी तो जा भी नहीं सकते इतना बारिश में। दोस्तों घर तो आ गए हैं और अभी हम लोग रोड पे ही खड़े हैं, बारिश छूटा नहीं है, बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे तो घर वाला बोलता है कि शाम शाम पे छूट जाता है, थोड़ा कम हुआ है देखिए, और सब भी गाड़ी सब खड़ा है यहाँ पर, तो देखते हैं जैसे बारिश छूटेगा फिर उसे घर के लिए निकलेंगे फिर यहाँ से हम लोग। दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग घर तो आ गए थे, इतना ज्यादा वहाँ बारिश हुआ, करीब हम लोग 1 घंटा इंतजार करते रहे बारिश छूटने का, तो छूटा, हम लोग घर आए हैं लेकिन अभी भी बारिश हो ही रहा है। अब जाके थोड़ा कम हुआ है लेकिन अब तो अंधेरा हो गया, हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते। तो पापा क्या कि हम लोग कल जो गाड़ी चलाए, कल रात भर हम लोग जाम में फंसे रह गए थे, तो करीब 3 बजे हम लोग वहां पे सोए और फिर सुबह सुबह 5 बजे गाड़ी लेके निकल गए थे। तो पापा बहुत ज्यादा थक गए थे तो वही सोए हुए थे, तो 2-3 घंटा पापा सोए और उसके बाद अभी जग गए हैं। तो अभी बोल रहे कि हम अब गाड़ी लेके कल निकलेंगे, तो हमारे जो ट्रांसपोर्टर वाले भैया है उनसे बात हुआ, पापा ही बताएंगे क्या बात हुआ। वो बोले कि नहीं चलिए कोई बात नहीं है, अब परसों भी गाड़ी खाली करेगा तो चलेगा। तो अभी मम्मी वापस रात का खाना बनाना स्टार्ट कर रही है, रोटी तो बना ली और सब्जी मम्मी भुजिया बना, और सब्जी में देखिए हमारा भुंजिया बना हुआ है। अच्छा वो दोस्तों पापा आज नहीं गए, ऐसे बोले थे नो एंट्री का माल है, तो अब कल हम लोग घूमने जाएंगे पापा के साथ। दोस्तों ऐसा हुआ था कि हम लोग जो पटना में जब हम रात भर जगे थे, तो जहां हम सोए थे, तो वहां पर क्या ना कि हर आधा घंटा में कोई ना कोई आगे उठा देता था, तो उसे नींद पूरा नहीं हुआ। फिर 5 बजे हम भी देखे चलो 5 बजे चल देते हैं, तो वहां आ गए तो यहाँ तो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, घर पे आकर सो गए थे। तो फिर मन नहीं किया, हम भी बात किए कि भाई कोई जरूरत नहीं है, सब लोग ने कोई दिक्कत नहीं, आराम चाहिए, इसमें डब्बा है, खाली डब्बा, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पर का सिस्टम ऐसा है, सुबह 6 बजे नोटिस लग जाता है, अगर हम 6 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं तो दिन भर हमको रहना पड़ेगा फिर, इसलिए मतलब कोई बात नहीं, तो आराम भी हो जाएगा, हमको रेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से हम सोच रहे हैं कि कल जो है कि सेकंड हाफ में यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों मैं रात का खाना यही हो रहा है, देख सकते हैं कि दाल बना है, रहर दाल, और इसके साथ तो भुजिया तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है, रहर दाल भुजिया, करेले का ही भुजिया है, खाना खाते हैं। दोस्तों अभी मेरा तो खाना लगभग हो ही गया है, बस अभी पापा देखिए यहाँ खाना खा रहे हैं, तो अभी बस हम यहाँ से निकलने वाले हैं, जाके गाड़ी में भी सोना पड़ेगा, गाड़ी यहाँ से हम लोग से क्या कि थोड़ा दूर रहता है, तो वहां पे जाएंगे गाड़ी में ही हम सो जाते हैं रात में और पापा यहाँ पे रहेंगे, और फिर देखते हैं कल तो रुकना ही है, कल सोच रहे रुक के ही और आराम से फिर कल निकलेंगे हम लोग। तो चलते हैं अभी गाड़ी के पास। दोस्तों अभी गाड़ी के पास हम लोग आ चुके हैं, ये देखिए एकदम रोड के किनारे ही हम लोग लगाते हैं गाड़ी, सबसे पहले लॉक खोलना पड़ेगा। अभी और भी बगल में हमेशा यहाँ गाड़ी खड़ा रहता है, इधर भी उधर भी, और रोड के उस पर भी रहता है, लेकिन अभी है नहीं, और ये गाड़ी यहाँ पे 3 दिन से रुका हुआ है। दोस्तों अब गाड़ी को पूरा लॉक कर दिए अच्छे से, अब जा रहे सोने के लिए। आज यहाँ पे क्या किया, थोड़ा ठंड भी बढ़ा दिया है, तो थोड़ा ओढ़ के सोना पड़ेगा। अपने पास तो गद्दा भी है, पूरा 3-3 गद्दा है, जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, अभी इसको लेके ओढ़ के सोते हैं हम लोग। और आज का तो थोड़ा अपना प्लानिंग बिगड़ गया था बारिश के कारण, कुछ हो भी नहीं पाया, नए वाले घर में जा भी नहीं पाए थे, शाम में फिर गए थे लेकिन थोड़ा सा ही, लेकिन फिर ज्यादा कुछ काम वाम भी नहीं हुआ क्योंकि सारे मिस्त्री लोग तब तक चले गए थे। तो ठीक है दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, तो दोस्तों कल से हमारा टाटा का सफर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।